स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। टोंक से सचिन पायलट और हरीश मीणा का नाम चल रहा है, तो जालौर से वैभव गहलोत का नाम भेजा गया है। अलवर से ललित यादव और संदीप यादव का नाम भेजा गया है। झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला को टिकट दे सकती है पार्टी, तो वहीं कोटा बूंदी से अशोक चांदना का नाम है। दौसा से मुरारीलाल मीणा का नाम भेजा गया है। बाड़मेर से हरीश चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत, बांसवाड़ा डूंगरपुर से गणेश गोगरा और अर्जुन बामणिया, जोधपुर से पार्टी मानवेंद्र सिंह को लड़ाना चाहती है सीईसी की बैठक में। इन नामों पर अंतिम मोहर लग सकती है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीईसी की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी, कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची इस बैठक के बाद जारी हो सकती है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीईसी की बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में राजस्थान के नामों पर भी अंतिम मोहर लग सकती है, जिसमें संभावित नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जोधपुर से पार्टी मानवेंद्र सिंह को लड़ाना चाहती है, तो वहीं कोटा बूंदी से अशोक चांदना का नाम भेजा गया है। बड़ी जानकारी, दौसा से मुरारीलाल मीणा का नाम भेजा गया है। इन नामों पर अंतिम मोहर सीईसी की बैठक में लग सकती है, ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर आज राजस्थान के नामों पर भी मंथन और चर्चा संभव है। महासंग्राम 2024 को लेकर के रणनीतिक तौर पर सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, बीजेपी कांग्रेस भी, और खेमे में लगातार मंथन का दौर है। तो चलिए आप खबरों को देख